अल्लाह मुझे माफ करे, इस बख्त औरत ने हमेशा लोगों को तकलीफ पहुंचाई, कभी किसी का भला नहीं चाहा, लोगों के घर बर्बाद किए, इसीलिए आज इसकी मैयत उठाने वाला कोई नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों से रابطہ किया लेकिन कोई नहीं आया, इसीलिए मैंने आपको बुलवाया। आप फिक्र ना करें, हम जो हैं यहाँ पे कंधा देने के लिए, बेटा इंतजाम से रहते हैं। मत जाओ, मत जाओ, रुको रुको, अभी बारात आएगी, रुको, आ रहे हैं वो, आ रहे हैं वो, तैयार हो रहा है वो, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। काफी दिन हो गए थे, आपकी तरफ से कोई जवाब ही नहीं आया था। मैंने सोचा कि मैं खुद ही चक्कर लगा लूं। फिर क्या सोचा है आपने? थैंक यू। देखिए मिसेस आहिद, इतने बड़े फैसले अचानक नहीं किए जा सकते, सोचना पड़ता है, फैमिली के बड़ों से पूछना पड़ता है, फिर कहीं जाके कोई फैसला होता है। और वैसे भी हमारी फैमिली में एक इंतकाल हो गया था जिसकी वजह से हम सब बहुत परेशान थे। आई एम सॉरी, अल्लाह आपको सब्र दे। लेकिन ये सब तो मिडिल क्लास फैमिलीज में होता है कि बेटी का रिश्ता करने के लिए आप पूरे खानदान से मशवरा करेंगी। हमारे यहाँ ऐसा कोई रिवाज नहीं। हाँ लेकिन हमारी फैमिली में तो होता है। रानिया के वालिद साहब के इंतकाल के बाद उनके बड़े भाई निहाल भाई हमारी फैमिली के अफसर पर रस्त है, उनसे तो पूछना पड़ेगा। और वो जो जवाब देंगे मैं आपको बता दूंगी। आप खामखा में इतनी देर कर रही हैं, बेकार की हैं ये सब कुछ। भाई जब लड़का लड़की राजी हैं तो फिर किसी और की मर्जी क्या मायने रखती है? आप जो कह रही हैं वो बिल्कुल अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन वो जो भी फैसला करेंगे मैं आपको बता दूंगी, मैं उनके बगैर कोई राय नहीं दे सकती। ठीक है, आप उनसे मशवरा कर लें, लेकिन भाई अगर आप मुझसे पूछे ना
तो रानिया हमें दिलो जान से पसंद है और वलीद को भी बहुत अच्छी। मम्मा वो, अरे रानिया बेटा आओ। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अस्सलाम। आओ आओ, कहाँ थी इतनी देर से? आई एम सो हैप्पी कि हमें तुम जैसी लड़की मिली है। वलीद भी बहुत खुश है। अब से हम दोनों सिर्फ अपनी बातें किया करेंगे, किसी और की नहीं। और प्लीज आप अपने कजन को समझा दीजिएगा, जब हम बात कर रहे हो तो बीच में इंटरेक्ट ना किया करें। नहीं वो तो बस, हाँ लेकिन आपको पता है ना, अच्छा नहीं लगता, उसे खुद सोचना चाहिए ये बात। मिसेस मुस्तफा ये क्या कर रही हैं आप? भाई अब आप बीच में कुछ नहीं बोलेंगी। ये मेरा और रानिया का आपस का मामला है। एक खूबसूरत लग रही है आप, ये देखें। मगर आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। नेक्स्ट फ्राइडे फिर मंगनी की रस्म रख लें। अभी जैसे आपकी मर्जी। तो शादी बहुत धूमधाम से करूंगी मैं, पहली खुशी है मेरे घर की। चलो तुम ड्राइवर से कहो गाड़ी निकाले। अम्मी क्या हो गया आपको? खुद से कोई बात मत करना हमजा, मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना। बात तो सुने ना, मैं घर छोड़कर जा रही हूँ बस। क्या हो गया, क्या हो रहा है? वो घर छोड़ के जा रही है, तुम पागल तो नहीं हो गई? घर में जिस इंसान की वक़्त ना हो ना, उस घर में रहना पागलपन ही होता है। एक मिनट गुस्सा ठंडा करो। बैठ के बात करते। मुझे कोई बात नहीं करनी निहाल, मैं बहुत रो ली हूँ बस, अब मजीद नहीं रोऊंगी। इस घर में सारे फैसले तो आपके होते हैं या आपके लाडले बेटे के होते हैं, मुझे तो कोई पूछता ही नहीं है। इससे पहले जो फैसले आपने अपनी मर्जी से किए थे उनका नतीजा देख लिया ना आपने? तो इसीलिए तो कह रही हूँ ना, फैसला मत करो, मेरी बात मान लो, क्यों नहीं सुन रहे हो? अरे बेवकूफों जैसी बातें मत करो, चलो अंदर बैठ। मैं एक शर्त पर नहीं जाऊंगी, अगर ये अपनी जिद करना छोड़ दे तो। चलो एक जिद छुड़वाने के लिए एक दूसरी जिद जो है वो आपने मुसल्लत कर रही है यहां पे। मैं एक ही कीमत पे इस घर पे रहूंगी अगर मेरी बात मानी जाएगी बस। मैंने बता दिया है आपको, यहाँ पे वही होगा जैसा मैं चाहूंगी। तो आज तक क्या होता रहा है? वही होता रहा है जो आप चाहती रही हैं। मेरा ख्याल है निहाल आप अभी तक मजाक के मूड में हैं। अरे अम्मी मेरे पैर में चोट लग गई। अम्मी
पैर मुड़ गया मेरा। ठीक है आप? मेरे पाँव मुड़ गया। अरे नौरीन यार पाँव मुड़ गया। मामा, मामा, आप इतनी परेशानी में कहाँ जा रही हैं? निहाल भाई के हैं। पता चला है कि भाभी के पाँव में बहुत शदीद चोट लगी है। या अल्लाह, लेकिन आप क्यों जा रही हैं? आपको देखकर वो और गुस्सा करेंगी। जानती हूँ उनकी बातों का अफसोस तो मुझे भी है, लेकिन क्या करें, गलत फहमी हो ही जाती है। मैं बताया क्यों नहीं भाभी को? कैसे बताती? मैं धमका रहा था मुझे, कहता अगर किसी को भी बताया तो उसकी लाश घर वापस आएगी। अजीब। आई अम्मी आ क्या किया आपने भाभी? जरा सा भी एहसास है तुम्हें? तुम जानती हो साजदा क्या किया इसने? ये हमजा से रास्ते में रही और मुझसे सब कुछ छुपाया। बस ये है कि इंसान को अपना ज़र्व बड़ा करके माफ कर देना चाहिए, अल्लाह खुश होता है। तुम शादी करना चाहती थी ना उससे? बताओ मुझे, शादी करना चाहती थी ना? तुम मुझे बताया होता ना ये खेल क्यों खेला तुमने? माफ नहीं करूंगी मैं तुम्हें रानिया, कभी माफ नहीं करूंगी मैं तुम्हें। और वैसे भी इस वक्त तो उन्हें हमारी जरूरत है। बल्कि ऐसा करो तुम भी मेरे साथ ही चलो। आ जाओ बेटा, पहले बहुत देर हो रही है, फिर जल्दी वापस आना। आ जाओ। निहाल भाई, भाभी को पाँव पे चोट कैसे लगी है? साजदा क्या बताऊँ, अब अंधेरे में निकल गई हैं बाहर लॉन में पानी बंद करने के लिए, बस पैर स्लिप किया है और चोट लग गई है। ज्यादा गहरी चोट तो नहीं है? नहीं, इतनी गहरी तो चोट नहीं है, लेकिन हेयरलाइन फ्रैक्चर है हील पे। उन्होंने उसको प्लास्टर तो कर दिया है, एक महीने का रेस्ट का है, अब कोई नर्स वगैरह ही रखनी पड़ेगी। अरे ताबा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? हमारे होते हुए नर्स की क्या जरूरत है? मैं और मामा ख्याल रख लेंगे, उनका फिक्र ना करें। अरे बेटे कैसे, तुम भी खुद दफ्तर जाती हो, आपकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती, नर्स ही ठीक रही। निहाल भाई, आप भी कैसी अजनबियों जैसी बातें कर रहे हैं? मैं और रानिया मिलके बहुत अच्छा सा ख्याल रख सकते हैं भाभी का। इस घर में सारे फैसले तो आपके होते हैं या आपके लाडले बेटे के होते हैं, मुझे तो कोई पूछता ही नहीं है। इससे पहले जो फैसले आपने अपनी मर्जी से किए थे उनका नतीजा देख लिया ना आपने? तो इसीलिए तो कह रही हूँ ना, फैसला मत करो, मेरी बात मान लो, तू भी सुन रहे हो? अरे बेवकूफों जैसी बातें मत करो, चलो अंदर बैठ। मैं एक शर्त पर नहीं जाऊंगी,
अगर ये अपनी जिद करना छोड़ दे तो। बल्कि बजाय इसके कि बाहर से आप किसी को बुलाएं, अपने तो ज्यादा बेहतर जानते हैं, ज्यादा अच्छी खिदमत कर सकते हैं। और आप परेशान बिल्कुल मत हो, हम मैनेज कर लेंगे। थैंक यू साजिदा, थैंक यू फॉर दैट। शुक्रिया करके तो पराया मत करें ना। अब बताएं भाभी इस वक्त कहाँ हैं? ज़ाहिरा चल फिर तो सकती नहीं, बिस्तर पे लेटी हैं कमरे में। आए चल के देख लेते हैं। तो ठीक है बेटा, तुम जाके किचन में भाभी के लिए कुछ सूप शूप बनाओ, हम जरा उनको मिलकर आए। आए भाई। सुनो जी, ये तुम्हारे कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से ये जो लिपस्टिक का कलर है बिल्कुल सूट नहीं कर रहा। बस कर दे ये हाथ जुड़े अब्बा मेरे, बस करें ये मजलूमियत की कहानी। औरतों पे जुल्म करने वाला बुजदिल इंसान है ये। मैं बताऊं तुम्हें क्या है ये? सहे नसीब, आज तो बड़ी बड़ी हस्तियां आई हमारे घर पर। हटो मेरे रास्ते से। रास्ते से तो तुम पहले ही हटा चुकी हो। और कितना हटाओगी? बाय द वे, वो क्या हाल है तुम्हारे लंगूर का? None of your business. मिस्टर, उस दिन भी आप मजाक करते हो, शायद आज भी आपका मजाक का मूड है, लेकिन मेरे पास उस चीज के लिए वक्त नहीं है। हम दोनों कुछ जरूरी बात करें, आप प्लीज जाएं यहां से। तुम्हें बात समझ में नहीं आ रही? मैं उससे बात कर रहा हूं ना। तुम्हारा बीच में बोलना जरूरी है क्या? तो सुनो फिर। मैं जहां चाहूं, जिसके साथ चाहूं, जब मर्जी जा सकती हूं, तुम होते कौन हो? वक्त सवाल जवाब। I'm done with this. पहले इतना ही और चल पाओ प्लीज। लेकिन भाभी ये सब हुआ कैसे? बस आज तक फिसल गई, चोट लग गई। अल्लाह आपको जल्दी शफा दे। पर आप
किसी चीज की फिक्र ना करें, मैं और रानिया सब संभाल लेंगे, आपने परेशान नहीं होना। नहीं, बहुत मेहरबानी तुम्हारी साजिदा, लेकिन काम करने के लिए मेरे पास मेट्स हैं। आप हमें गैर मत समझें, हम आपके अपने ही हैं। और मुश्किल वक्त में अपने काम आते हैं। बल्कि निहाल भाई, आपसे एक बात करनी थी। आप दोनों से ही मशवरा लेना था। हाँ हाँ, पूछे। वो मैं चाह रही थी इस जुम्मे को रानिया की मंगनी कर दूं। लड़के वाले बहुत इसरार कर रहे थे, तो इसलिए ये तो बहुत अच्छी बात है साजिदा, नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए। अरे आपने किसी को बताया भी नहीं और ये सब कुछ डिसाइड कर लिया? नहीं निहाल भाई, भाभी को तो पता है, बल्कि वही तो लेकर आई थी। हाँ, मैंने आपको बताया तो था, भूल गए। इसे बहुत अच्छा घराना है, बिजनेस करते हैं वो लोग। लड़का भी बहुत अच्छा है, देखने में भी अच्छा है, गारंटी भी है उसकी। आपने गुनाह नहीं किया, गुनाह अजीम किया है। उसको समझाने के बजाय आपने उसे उल्टा शह दिए। हम लोग ये कभी ना करते अगर तुम सीधे तरीके से मान जाती है। ओ भाई, हमारे बेटे की ख्वाहिश बिल्कुल ठीक है, इतराज क्या है उससे? इस लड़की ने आने से पहले ही मां की इज्जत भुला दी। जब वो बीवी बनकर आएगी तो पता नहीं क्या क्या करेगी। निकाह के वक्त जो आपा ने मुझे बातें बताई थी और मैंने दोनों का निकाह रुकवा दिया था ना, उसी का बदला ले रही है मुझसे। सब कुछ आप लोगों ने डिसाइड कर ही लिया है तो फिर मुझसे क्या राय मांग रहे हैं आप? क्या हो गया निहाल? नाराज क्यों हो रहे हैं? बेटी है आपकी रानिया, दुआ दें उसे, अल्लाह उसका नसीब अच्छा करे।
थैंक यू। मैंने बात की थी निहाल भाई से, वो तो मेरी बात सुनकर गुस्से में ही आ गए। हम क्या ही कह सकते हैं मामा। हाँ, लेकिन उन्हें बताना तो हमारा फर्ज बनता था। अब वो लोग आते हैं तो अच्छी बात है। और अगर नहीं आते तो अल्लाह की मर्जी। सब हो ही जाता है मामा। हमजा ऑफिस नहीं आ रहा तो क्या काम रुक गया? सब चल ही रहा है ना, आगे भी सब हो जाएगा। हाँ बेटा, लेकिन अजीब सा वहम हो रहा है मुझे, बस तुम्हारी फिक्र। मेरी दुआ है कि अल्लाह हमें मजीद किसी आजमाइश में न डाल। बहुत दुख झेले हम। सब ठीक रहेगा, आप फिक्र ना कर, बाकी जो मेरा नसीब। अल्लाह खैर। इसका फोन है? वलीद का। अच्छा, तुम बात कर लो फिर, मैं असर की नमाज पढ़ूं, वक्त निकल जाए। अस्सलाम वालेकुम, सब खैरियत से? कॉल क्यों की थी? जी थोड़ा मसरूफ हूँ, कुछ ऑफिस की फाइल्स देखनी थी, बस उसी में मसरूफ हूँ। मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। सब नहीं कर सकती, उठ जाओ मस्त। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, चची रानिया की इस तरह मंगनी कैसे कर सकती हैं? क्यों क्यों नहीं कर सकती? वो दोनों खुद मुख्तार हैं, अपनी जिंदगी का फैसला खुद कर सकते हैं, उन्हें किसी से पूछने की क्या जरूरत है? देखो बेटा, तुम्हारी माँ सही कह रही है, उन दोनों को किसी को बताने की, किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे कोई बताएगा? कि मुझे इनकार क्यों किया? इसलिए कि वो उसे पसंद करने लगी है।